गाइज, मार्च का मंथ सैमसंग के लिए काफी बिजी रहा है और मार्च के अपकमिंग स्मार्टफोन्स वाले वीडियो में मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बताया था वो सभी फोन्स लॉन्च हो गए हैं। मार्च के मंथ में सैमसंग ने टोटल 7 स्मार्टफोन्स को अनवील किया है, जिनमें ए सीरीज के A13, A23, A33, A53 और A73, इन सभी को सैमसंग ने अनवील कर दिया है। ये सभी काफी कमाल के स्मार्टफोन्स हैं और काफी कमाल की सैमसंग ने इनमें वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। सैमसंग इनमें 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करवाने वाला है, तो ये काफी कमाल की बात हो जाती है। इतने लंबे टाइम तक अपडेट्स किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा सैमसंग ने एफ सीरीज के F23 5G और एम सीरीज के M33 5G स्मार्टफोन की भी सभी डिटेल्स अनवील कर दी है। फिलहाल गैलेक्सी A73 5G को छोड़कर के बाकी सभी स्मार्टफोन्स के प्री ऑर्डर चल रहे हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी A73 5G का अप्रैल के मिड तक प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में जो अप्रैल के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो ए सीरीज के सभी पॉपुलर स्मार्टफोन्स को तो सैमसंग ने मार्च के मंथ में लॉन्च कर दिया है। अब अप्रैल के मंथ में एम सीरीज में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एम सीरीज का गैलेक्सी M33 5G, यह 2 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसमें 6.6 इंच की TFT LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, जिसमें Exynos 1280 प्रोसेसर, रियर में 50 मेगापिक्सल के साथ में आने वाला क्वाड कैमरा सेटअप और 6000 mAh की बैटरी दी गई है। वैसे इस स्मार्टफोन के स्पेक्स का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यह 2 अप्रैल को 12 बजे लॉन्च हो जाएगा। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो अगला स्मार्टफोन होने वाला है गैलेक्सी M53 5G। यह मिड रेंज सेगमेंट में सैमसंग की ओर से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा। इसमें 6.7 इंच की बड़ी साइज वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होगी, जिसके फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और यह 120 हर्ट्ज की सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। तो इसकी बड़ी साइज वाले डिस्प्ले में आप अपना फेवरेट कंटेंट कंज्यूम करें या फिर गेम एंजॉय करें, एक्सपीरियंस काफी कमाल का रहेगा। यह डायमेंसिटी 900 SoC के साथ में आने वाला है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, तो इसमें परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यह 6 और 8 GB रैम के 2 ऑप्शन के साथ में आएगा और 128 GB की इसमें स्टोरेज मिल जाएगी। अब यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ में लॉन्च होगा। इसके बाद में सैमसंग इसमें 3 साल तक और एंड्रॉइड अपडेट्स प्रोवाइड करवाने वाला है, तो यह काफी कमाल की बात हो जाती है। वहीं इसके कैमरास के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंगली इसमें भी गैलेक्सी A73 5G के सिमिलरली 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा। तो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के चलते इसमें काफी शार्प फोटोज और वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 22 मेगापिक्सल के कैमरा होने वाले हैं मैक्रो शॉट्स और डेप्थ सेंसिंग के लिए, और फ्रंट साइड में इसके 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ होगा, तो इसके फ्रंट साइड से भी काफी शार्प फोटोज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, यह 5000 mAh की बैटरी और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग साथ में आएगा, जिसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सैमसंग की फुल नॉक्स सिक्योरिटी, ब्लूटूथ 5.2 और कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग इसे सभी लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ में लाने वाला है। यह स्मार्टफोन 20 अप्रैल के अराउंड देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइस सभी डिस्काउंट्स के बाद में 25,000 के अराउंड देखने को मिलने वाला है। वहीं अगले स्मार्टफोन की बात करें तो गैलेक्सी A13 का 5G वाला वेरिएंट भी अप्रैल के मंथ में ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, रियर में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट साइड में 6.5 इंच की एक HD प्लस 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से इसकी बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यह सैमसंग की ओर से एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन रहेगा और अप्रैल के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, ये थे सैमसंग के वो सभी स्मार्टफोन जो अप्रैल के मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।